ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरे ब्रिटेन में 2 मिनट का मौन रखकर एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि दी गई। महारानी का ताबूत बकिंगम पैलेस के पास से होते हुए वेलिंगटन आर्क पहुंच गया है। क्वीन की अंतिम यात्रा में लाखों की भीड़ जुटी और इस दौरान हर कोई महारानी के अंतिम दर्शन को बेसब्र दिखा। महारानी की शाही विदाई। अंतिम यात्रा पर क्वीन एलिजाबेथ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार की रस्में जारी हैं। अब से कुछ देर बाद उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स III महारानी एलिजाबेथ II के ताबूत के पीछे पीछे चल रहे थे। महारानी की अंतिम बार एक झलक पाने के लिए मानो पूरा ब्रिटेन उमड़ आया है। सड़क के किनारे लाखों लोगों का हुजूम मौजूद है। हर कोई महारानी के अंतिम दर्शन करना चाहता है। शाही परिवार के बाकी सदस्य भी अंतिम यात्रा में शामिल हैं। सेंट्रल लंदन में तो हालात ऐसे रहे कि महारानी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की बेहिसाब भीड़ देखी। करीब 125 सिनेमा हॉल में महारानी के अंतिम संस्कार का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया। यहां अंतिम संस्कार की तमाम रस्में डीन ऑफ वेस्टमिंस्टर डेविड होयले ने पूरी कराई। वी प्रेज गॉड for her constant example of Christian faith and devotion. इस दौरान कैंटरबरी के आर्क बिशप जस्टिन वेल्बी भी मौजूद रहे। इस मौके पर ब्रिटेन की पीएम प्राइम लिज ट्रस्ट ने छोटा भाषण दिया। भाषण के दौरान लिज ट्रस्ट बेहद भावुक हो गई। ट्रस्ट के भाषण के बाद महारानी की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया।
जिसके बाद स्टेट फ्यूनरल की रस्में पूरी हो गई। भारतीय समय के अनुसार करीब 12 बजे महारानी को दफनाया जाएगा और इस पल की साक्षी पूरी दुनिया बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ीवी। आपने देखा किस तरह महारानी एलिजाबेथ को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। क्वीन के अंतिम संस्कार में 2000 से ज्यादा वीवीआईपी शामिल हुए। महारानी के अंतिम संस्कार के लिए ब्रिटेन समेत दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था भी की गई है ताकि लोग महारानी के अंतिम दर्शन कर सके। प्राइवेट फ्यूनरल के दौरान महारानी का ताबूत रॉयल वॉल्ट में रखा जाएगा। हम आपको आज इस रॉयल वॉल्ट का राज भी बताएंगे। साल तक ब्रिटेन की महारानी रही क्वीन एलिजाबेथ को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। क्वीन को अंतिम विदाई देने के लिए दुनिया भर से करीब 2000 वीवीआईपी लंदन पहुंचे हैं। वीवीआईपी के अलावा महारानी के अंतिम दर्शन के लिए लंदन में करीब 10 लाख लोग जुटे। लंदन की सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई तो हर कोई महारानी को याद कर भावुक दिखा। महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज वर्ल्ड लीडर्स लंदन पहुंचे और शाही परिवार के प्रति संवेदना जताई। भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी लंदन पहुंची। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने शाही परिवार से मुलाकात की और दिवंगत महारानी के अंतिम दर्शन कर उन्हें भारत की ओर से श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी लंदन में हैं। बाइडेन क्वीन एलिजाबेथ की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और शोक संदेश लिखकर शाही राज परिवार के प्रति अपना दुख प्रकट किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी महारानी एलिजाबेथ को अंतिम विदाई दी। वेस्टमिंस्टर हॉल में श्रद्धांजलि देते हुए मैक्रों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान वो बेहद भावुक दिखे। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद लंदन में हर किसी की आंखें नम हैं। ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस ने वेस्टमिंस्टर हॉल में जाकर क्वीन को नमन किया। लंदन में जगह जगह पर महारानी की याद में श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। कहीं पार्क में, कहीं सरकारी कार्यालय में महारानी की याद में प्रार्थना सभा रखी गई। हर कोई बेहद भावुक दिखा। महारानी के सम्मान में आज लंदन में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इससे पहले महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए उनके सभी 8 पोते पोती वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचे। परिवार के लोगों ने क्वीन को श्रद्धांजलि दी। महारानी के अंतिम संस्कार के लिए ब्रिटेन समेत दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है जिसके जरिए लोग महारानी के अंतिम विदाई को देख सके। अपने अंतिम समय में महारानी स्कॉटलैंड में थी। जैसे ही निधन की खबर आई पूरी दुनिया शोक में डूब गई। महारानी को कई दिनों की यात्रा के बाद लंदन लाया गया और अब उनका पूरे शाही राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Oh, my God.